हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, वी केयर में, वी शेयर में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, कि एक दो बार मैंने देखा जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसके नीचे सवाल आए कि आपने ये नहीं बताया एक्चुअली शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करने की पड़ेगी वॉकिंग से। वॉकिंग में भी आप 500 मीटर से स्टार्ट करें, आप 5 मिनट वॉक करने से स्टार्ट करें, कोई प्लान मत करें इससे ज़्यादा। जब आप कंफर्टेबली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक करना शुरू कर दें, उसके बाद आप उसको 3 या 4 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली एक आम इंसान अगर बहुत आराम से भी चलता है तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर आराम से चल सकता है। तो अगर आप 30 मिनट या 20 मिनट की वॉक करते हैं तो आप 2-2.5 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। जब आपके लिए महीने, 1.5 महीने 2 महीने में वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर तक आप भागें और 900 मीटर चलें। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप 200 मीटर भागें और 800 मीटर चलें, फिर 300, फिर 400, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, 500 मीटर आप भागें और 500 मीटर आप चलें। धीरे धीरे ये रेशो शिफ्ट होते होते ऐसे आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी रेशो ऑलमोस्ट, कि 100 मीटर हम चलेंगे 1 किलोमीटर में और 900 मीटर हम भागेंगे। और ये डिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ करेंगे, अभी तो हम 3 से 5 किलोमीटर पर ही हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। जब हम लगभग 3 या 4 महीने में 5 किलोमीटर कंफर्टेबली भाग पाएंगे और उसमें भी हम लगभग 2.5 किलोमीटर चल रहे हैं और भाग रहे हैं, तो हमारा जो मेंटल ब्लॉक है 5 किलोमीटर भागने वाला वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके एरिया में जो भी रेस है जो 5 किलोमीटर की है उसमें पार्टिसिपेट करें, टाइम पे बिल्कुल ध्यान ना दें, चलें और भागें, चलें और भागें, चाहे वो 50-50% करें। इवन टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं, जेफ गैलोवी जो मेरे गुरु जी हैं जिनको देख के उनके यूट्यूब वीडियोज़ से मैंने सीखा, उसमें तो वो ये बोलते हैं कि 30 सेकंड्स भागें और 30 सेकंड्स चलें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो आपको 1 किलोमीटर करने की ज़रूरत नहीं, 30 सेकंड्स हेयर एंड 30 सेकंड्स देयर इज़ ऑल्सो फाइन। उसके बाद जब आप एक बार 5 किलोमीटर भाग लेंगे, अगर उसके बाद आपका मन करता है कि आप 10 किलोमीटर कैसे भागें, तो उसमें सिंपल स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं कि हर हफ्ते आप 10-10% इंक्रीज़ करते हैं। जैसे 5 किलोमीटर के बाद 500 मीटर बढ़ा दिया आपने अगले हफ्ते, 5 किलोमीटर 500 मीटर हो गया, अगले हफ्ते फिर 500 बढ़ा दिया तो 600 हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, फिर 6 किलोमीटर का आपने 600 मीटर बढ़ा दिया, फिर 7.2 हो गया, फिर आपने उसको बढ़ा के 8 किलोमीटर कर दिया, 8.8 हो गया अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते उसका लगभग 9.5 हो गया, उसके अगले हफ्ते 10 किलोमीटर हो गया। तो लगभग मोटे मोटे तौर पर 7-8 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आप 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर आ सकते हैं। जब तक आप 5 या 10 किलोमीटर भाग रहे हैं आपको इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। अगर आप 10 किलोमीटर या उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, जो कि हाफ मैराथन डिस्टेंस है 21.1 किलोमीटर या 42.2 किलोमीटर, तो उसके लिए ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि जब तक हम 10 किलोमीटर भागते हैं और अगर हम आराम से भी भागते हैं तो लगभग हम 70-80 मिनट में पूरा कर लेते हैं, जब हम स्लोली एंड सडनली ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इसको करेंगे। डेफ़िनेटली अगर हम यंग हैं तो हमें प्रॉब्लम्स कम होंगी, अगर हम 40 या 50s में हैं तो हमारे को मेडिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, या हो सकता है डॉक्टर को, डॉक्टर ने पहली बार किसी को एडवाइस किया कि मॉर्निंग वॉक करें और आपने ज़िंदगी में कभी वॉक नहीं करी तो आपने वॉक करना स्टार्ट किया, उस केस में आप क्या करेंगे कि पहले ऐसे धीरे धीरे अचीव करेंगे और अपने डॉक्टर से पहले राय ले लेंगे, अपने ब्लड प्रेशर का इलाज करा लेंगे, और अगर वो भागने के लिए मना करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। लगभग 6.3 किलोमीटर की स्पीड होती है और जिसमें भी अच्छा खासा पसीना आता है और उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो 5 किलोमीटर भागना चाहते हैं या 10 किलोमीटर भागना चाहते हैं, या जो वॉकिंग है उसमें भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। हाफ मैराथन या फुल मैराथन के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।